है तो आप देख सकते हो यहाँ पे उर्मित भाई की दुकान पे एंड टाइम बर्ड्स भी मिल जाते हैं, मोकाटेल है, अफ्रीकन ग्रह, मक्का सब कुछ यहाँ दिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी काटता नहीं है, ये लड़ते भी नहीं है, दोनों के दोनों साथ में ही रहते हैं। आप देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, और वो धनिया खा रहा है देखने में क्या खूब। फ्लावर ऑन फिश बोलते हैं उसको, पर ये मेरा ही फ्लावर ऑन है, लेकिन वेलकम बैक टू बर्ड खजाना दोस्तों। दोस्तों आज हम आए हैं रॉयल एक्वेरियम एंड पेट शॉप पे शॉप विजिट करने के लिए, तो आइए अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है, चलिए देखते हैं। कैसे हो उर्मित भाई? एकदम बढ़िया, मजे में हूँ। तो बताइए आपके पास अभी क्या क्या स्टॉक में अवेलेबल है? अभी मेरे पास फिश है, डॉग है, और बर्ड मंगवाते हैं हम, और पेट। बर्ड्स में अभी क्या क्या अवेलेबल है? बर्ड्स में अभी मेरे पास कॉकटेल है, कनूर है, और अभी रैबिट्स अवेलेबल है मेरे पास। अच्छा, तो और फिश में क्या क्या अवेलेबल है? फिश में मेरे पास सभी लोकल वैरायटी की सभी फिशेस अवेलेबल है अभी, सॉफ्ट फिश, गोल्ड फिश है, मोली है, कोई है, सुबन किनी है। तो आइए चल के देख लेते हैं कि क्या क्या फिश और बर्ड्स अवेलेबल है। चलो बताइए ये कौन सी फिश है? ये कोरंडा गोल्ड फिश है, देखिए देखिए दोस्तों, इसके इसे बोलते हैं कोरंडा गोल्ड फिश। चलिए आगे चल के देखते हैं ये कौन सी फिश है उर्मित भाई? ये गोल्ड फिश है, और उसमें ब्लैक मुर भी है, मीडियम साइज़ की गोल्ड फिश बोलते हैं इसको। इसको दोस्तों मीडियम साइज़ की गोल्ड फिश है, और दूसरी कौन सी बोली? ब्लैक मुर है, ब्लैक मुर, ब्लैक मुर भी है। इसमें थोड़ी सी बड़ी साइज़ है गोल्ड फिश में, और छोटी साइज़ में भी है, छोटी साइज़ में भी दिखा दीजिए गोल्ड फिश में। ये दोस्तों छोटी साइज़ में गोल्ड फिश है, बस करना। तो बोलिए उर्मित भाई इसको कौन सी फिश बोलते हैं? उसे मोली फिश बोलते हैं, और उसमें ब्लैक, ऑरेंज और वाइट तीनों कलर है मेरे पास, मेल फीमेल अवेलेबल है इसमें। दोस्तों इसमें मोली के तीन कलर अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सी फिश अवेलेबल है। तो बताइए उर्मित भाई इसको कौन सी फिश बोलते हैं? ए ओरंडा रेड कैप है, और उसमें वाइट एंजल भी है मेरे पास, बहुत ही बढ़िया लगती है। चलिए और भी फिश आपको आगे दिखाता हूँ। इसको कौन सी फिश बोलते हैं उर्मित भाई? ए कोई फिश बोलते हैं, और उसमें मिल्की कोई भी है मेरे पास, और ये देखिए आप, ये बढ़िया फिश है, उसे शक्कर कैट बोलते हैं, इसको शक्कर माउथ भी उसे बोला जाता है। उर्मित भाई इस शक्कर फिश की खासियत क्या है? मैंने तो ये पहली बार देखी है, बताइए ज़रा इसके बारे में कि इस फिश की क्या खासियत है, ज़रा बताइए मुझे भी। ये किरण भाई ऐसी फिश है जो एक्वेरियम में थोड़ा बहुत कचरा खा लेती है, और उस एक्वेरियम क्लीन करने के थोड़ा बहुत क्लीन कर रखती है, इसलिए ये दिखने में तो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एक्वेरियम थोड़ा बहुत उसका कचरा होता है वो खा लेती है। करो ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सी फिश अवेलेबल है। ये कौन सी फिश बोलते हैं उर्मित भाई? ये वीडियो टेट्रा है, और छोटी ही रहती है, बहुत बड़ी नहीं होती है फिश, और वो प्लांटेड एक्वेरियम में रख सकते हो आप इसको, वीडियो टेट्रा बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। और आगे चलिए मैं गप्पी फिश भी आपको दिखाता हूँ, और किरण भाई ये देखिए गप्पी फिश, आप उसे गप्पी फिश बोलते हैं, वो दो इंच एक डेढ़ इंच की साइज़ है इसकी, और दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती है, और वो बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन छोटी है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसका कलर देखिए आप, बहुत बढ़िया कलर है।
उर्वित भाई, यह कौन सी फिश है और आपने इस सिर्फ एक पीस को अलग क्यों रखा है उस टैंक में? कौन से वाले किरण भाई? वो दूसरे नंबर के टैंक पे जो है वो। चलो दिखाता हूँ, ये वाली। हाँ ये वाली, इसको आपने अलग क्यों रखा है? ये फाइटर फिश बोलते हैं उसको। हाँ। और एक्वेरियम में एक ही रख सकते हैं हम, दो फाइटर एक साथ में हम कभी नहीं रख सकते। और एक फाइटर एक साथ रखेंगे दोनों फाइटर, तो उसको एक फाइटर दूसरे को मार डालेगा। अच्छा ये बात है, मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक पीस को क्यों इतने अलग से रखा है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सी फिश है। पूर्वज भाई, ये ब्लैक वाली कौन सी फिश है? उसको मार्बल एंजल बोलते हैं और उसमें कई प्रकार की वैरायटी भी आती है, और ब्लू एंजल आती है, प्लेटिनियम एंजल आती है, पिंक एंजल आती है। अच्छा। लेकिन ये मार्बल एंजल है यहाँ पे, उसकी 2 से 2.5 इंच की साइज़ है। हाँ, बहुत ही बढ़िया पीस है वो, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। उर्वित भाई, ये तो दिखने में बिल्कुल ही पतंग जैसी फिश लग रही है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये किरण भाई, ये टाइगर शार्क बोलते हैं इसको। हाँ। और वो बहुत ही बड़ी होती है और उसकी स्पीड बहुत ही बढ़िया होती है, भागने में माहिर होती है। अच्छा, दिखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ये। और किरण भाई, ये शार्क की 127 प्रजाति है। हाँ। और हमने ये शार्क है वो टाइगर शार्क बोलते हैं, वो अल्बिनो शार्क भी आती है, सिल्वर शार्क आती है, रेड टेल रेम्बो शार्क आती है, और कई सारी प्रजाति है शार्क की। बड़ी वाली कौन सी फिश है? किरण भाई, ये फ्लावर ऑन फिश बोलते हैं उसको, पर ये मेरा ही फ्लावर ऑन है, लेकिन उसका हेड नहीं आ रहा है और उसका फूड भी मैं इंपोर्टेड लाया हूँ। हाँ। एम्बर करके वो खिला रहा हूँ। उसका फूड अलग से आता है जो हेड लाने के लिए रहता है वो। हाँ, उसको बोलते थे वो अलग से लेना पड़ेगा, तो मैंने सोचा उसको फ्लावर ऑन के लिए अलग से मेरे को दे दो। अच्छा। और किरण भाई, ये दोनों मेल फीमेल ही है, और छोटी वाली है वो फीमेल है, वो बड़ा वाला है वो मेल है। फीमेल के मुताबिक मेल थोड़ा एग्रेसिव होता है। अच्छा। और मेल होता है उसका ऊपर का जो हेड आता है वो आता है, और फीमेल में उसका हेड नहीं आता है। दोस्तों, एक बार मैं आपको फिश उर्वित भाई की दुकान का पूरा फिश का सेटअप आपको व्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये अभी हमने जो देखी है वो सारी की सारी टैंक है, देख लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों, अब हम बर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से बर्ड्स अवेलेबल है इसमें। हैंड टाइम बर्ड्स भी है यहाँ पे, और वाइल्ड बर्ड्स भी है आप देख सकते हो दोस्तों, और रैबिट्स भी है, रैबिट्स भी देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये रैबिट्स है। चलिए दोस्तों, इस रैबिट्स को मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत रैबिट्स है, दिखने में बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत लगता है, सबको पसंद आता है ये रैबिट्स। आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी एज अभी 1.5 महीने एज है, तब से ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, रेड है इसमें है दोनों के दोनों, अभी मेल फीमेल का कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने से। आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है, और वो धनिया खा रहा है, देखने में क्या खूबसूरत ब्यूटी लग रही है। चलिए अब दूसरे बर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक वाइल्ड कोकाटेल का एडल्ट पेयर है, वो दिखा देता हूँ अभी आपको। ये देखिए दोस्तों, ये कोकाटेल का पेयर 3.5-4 मंथ के पट्टे है, बहुत ही खूबसूरत, सेल के लिए अवेलेबल है रॉयल एक्वेरियम एंड पेट शॉप तला जापे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप।
चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बर्ड्स सेल के लिए अवेलेबल है। उरुद भाई, आपने इस कॉकटेल को अलग क्यों रखा है? ये किरण भाई, एक कॉकटेल हैंटेम है, वो फ्री फ्लाई करता है, इसलिए उसको अलग रखा है। अच्छा, तो निकालो मैं उसको बाहर। निकालो, कोई बात नहीं। ठीक है, बाहर निकल के देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है, हैंड टाइम है, आप देख सकते हो। वो उर्वित भाई के सर के ऊपर जाके बैठ गया है। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत कॉकटेल है, हैंड टाइम फ्री फ्लाई है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे उर्वित भाई की दुकान पे हैंड टाइम बर्ड्स भी मिल जाते हैं, कॉकटेल है, अफ्रीकन ग्रे, मकाऊ, सब कुछ यहाँ पे हैंड टाइम भी मिल जाता है। अगर किसी भाई को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है, नंबर और एड्रेस मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो उर्मित भाई को। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। ये देखिए दोस्तों, मेरे कंधे पे आके बैठ चुका है। ये इंडोर फ्री फ्लाई भी करता है दोस्तों। इसकी प्राइस के लिए आप उर्मित भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे हम प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हैंड टाइम सनकनूर भी है, आप देख सकते हो कैसे मेरे कंधे पे बैठ चुका है, आप देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इतना खूबसूरत है, मेरे हाथ पे ही खाना खा रहा है, आप देख सकते हो, फुल हैंड टाइम है। इसकी प्राइस के लिए आप उर्मित भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और पूरा उसकी शॉप का एड्रेस मैंने दिया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी काटता नहीं है ये, आप देख सकते हो, फुली हैंड टाइम है। दोस्तों, इसे सनकनूर कहते हैं, लेकिन कनूर में तो बहुत सारी वैरायटी में आती है, सनकनूर भी आता है, झांडिया कनूर आता है, पाइनएप्पल कनूर आता है, ग्रीन चेक कनूर आता है, बहुत सारी कनूर की स्पेसिस आती है। इसमें सबसे अच्छे में अच्छा और महंगा बर्ड आता है वो सनकनूर आता है, सबसे ज़्यादा महंगा सनकनूर आता है, बाकी सारे कनूर कम प्राइस में आपको मिल जाता है, लेकिन सबसे हाई ग्रेड इस कनूर का रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों के दोनों हैंड टाइम बर्ड्स है, वो लड़ते भी नहीं है, दोनों के दोनों साथ में ही रहते हैं, आप देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं बर्ड्स की और फिश की एसेसरीज आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये चाइना केज है, इसमें 2.5 फीट में भी मिल जाएगा और 1.5 फीट में भी मिल जाएगा, और कलर भी बहुत ही कलर है, ब्लैक कलर में भी अच्छा है, वाइट में भी है, ग्रीन भी है, ब्लू में भी है, सारे के सारे यहाँ पे कलर भी आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, और इम्पोर्टेड केज चाहिए आपको तो इम्पोर्टेड केज भी मिल जाएगा। ये देखिए, ये फिश पकड़ने के लिए नेट भी यहाँ पे मिल जाएगी और बर्ड्स फीडर भी मिल जाएगा, और एक्वेरियम के लिए ये लाइट्स भी मिल जाएगी आपको यहाँ से,
और ये वाटरप्रूफ है दोस्तों, पानी में भी कुछ नहीं होगा इसे। और ये बर्ड्स के लिए झूला भी मिल जाएगा। ये देखिए एक्वेरियम के लिए एयर पंप भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये इंटरनल फिल्टर है, ये दोनों के दोनों इंटरनल फिल्टर है। और ये स्पंज फिल्टर है। सारी की सारी एसेसरीज फिश की यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बैटरी पंप भी मिल जाएगा। जब आपके घर पे बिजली चली जाएगी तो ये काम करेगा, ऑक्सीजन ठीक तरह से देगा, आपकी फिश मरेगी नहीं इससे। इसमें सेल आता है दोस्तों, इससे इसमें सेल डाल के भी चला सकते हैं। और बिजली से भी चलता है, जब भी लाइट चली जाए तो इसमें सेल डालना पड़ता है। ये सेल से भी चलता है और बिजली से भी चलता है। और यहाँ पे सभी तरह के फिश फूड भी मिल जाएगा। ये देखिए सारे के सारे फिश फूड यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी आपको चाहिए वो सभी अवेलेबल यहाँ पे रहता है दोस्तों। ये देखिए टेट्रा बीट्स का भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है, और टर्टल फूड भी यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। सारी के सारी फूड्स यहाँ पे मिल जाएगी और मेडिसिन्स भी मिल जाएगी। ये देखिए रेजिन टॉयस भी यहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल रहते हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। और इसके अंदर एक फाइटर फिश भी रखी हुई है, आप देख सकते हो। ये देखिए सारे के सारे टॉयस यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ ऊपर भी है, जो भी टॉयस आपको चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक्वेरियम की सेंट और स्टोन भी यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे कलर में है, कलरफुल है दोस्तों, आप देख सकते हो। जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हॉलीडे फूड भी मिल जाएगा, दो तरह के अलग अलग यहाँ पे अवेलेबल है, तो किसी भाई को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे अलग अलग सारे प्लांट्स भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों छोटे बड़े सभी साइज़ के प्लांट्स यहाँ पे मिल जाएगा, 20 रुपये से लेके 1500-2000 तक का प्लांट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो। बड़े साइज़ का चाहिए तो बड़े साइज़ का भी मिल जाएगा यहाँ पे, और छोटा चाहिए तो छोटा भी मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों एक बार मैं आपको पूरी दुकान का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों पूरी दुकान का व्यू है ये। ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे बर्ड्स भी मिल जाएंगे, कॉकाटेल हैंड टाइम बर्ड्स भी मिल जाएगा, जो भी हैंड टाइम बर्ड आपको चाहिए वो सारे आप यहाँ पे मिल जाएंगे। और रैबिट्स भी मिल जाएगा, और सभी साइज़ के कैज यहाँ पे मिल जाएगा, फिश मिल जाएगी। और डॉग या फिर कैट भी चाहिए तो अभी यहाँ पे मिल जाएगी। और एक बार मैं आपको यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ दोस्तों, रॉयल एक्वेरियम एंड पेट शॉप, शॉप नंबर 104 वासुदेव कॉम्प्लेक्स स्टेशन रोड तलाजा। ओनर का नाम है उर्विद भाई सोलंकी, और उसका मोबाइल नंबर है 9638613867। तो किसी भाई को चाहिए तो उर्विद भाई को कांटेक्ट कर सकता है, और नंबर भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और पूरा एड्रेस भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उर्मित भाई को, ओनर का नाम है उर्मित भाई सोलंकी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।